नमस्कार, मैं हूं शिखा शर्मा। स्वागत है आपका खबर 100 में। आइए रुक करते हैं अब तक की कुछ ताजा खबरों की ओर, लेकिन उसके पहले एक नजर अब तक की कुछ हेडलाइंस पर। महिला किसान के साथ ज्यादती, पुलिस ने की एविडेंस मिटाने की कोशिश। मुख्यमंत्री निवास पर बैठक आयोजित, बैठक में हुई कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात। भाजपा का मंडल स्तर पर प्रशिक्षण वर्ग शुरू, प्रशिक्षण वर्ग में 10 विषय शामिल। पुलिस ने किया अंधकत्व का खुलासा, आरोपी ने कबूली हत्या की बात। इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस एक किसान की जमीन पर जबरदस्ती बुआई रुकवाते दिखाई दे रही है। यह वीडियो धार जिले के डहरी चौकी का है, जहां लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था, जो आज तक हल नहीं हुआ है। जिसके बीच अचानक पुलिस जमीन मालिक को धमकाने पहुंची, जिसके बाद खबर 100 ने इस पूरे मामले को जड़ से जानने की कोशिश की, जिससे कई हैरत में डालने वाली बात सामने आई। आइए जानते हैं इस मामले की पूरी जानकारी खबर 100 के विशेष संवाददाता आशुतोष सेन की इस खास रिपोर्ट में। बता दीजिए, अगर कोई महिला धराता लेके आती है क्या उचित है? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। वो तो गलत है ना? बिल्कुल वो गलत है। आपका शर्मा चाय की दो। आपने आपने कहा वो गलत है, बाकी महिला का एक ही कहना है कि मैं काम कर रही थी खेत में, मेरा हाथ में डरा था, वैसे ही मैं दौड़ पड़ी। अरे वहाँ क्या, ये नहीं नहीं सुनो, चलो हम मैं तो दोनों पक्ष सुन। वो डिलीट करो तो मोबाइल में किए हो, करो डिलीट। अभी तो कुछ नहीं किए, ये हो डिलीट करो उसको। ये लो मोबाइल, लो जरा निकालो, जरा इनका था मोबाइल निकाल के देख लेना। सिर्फ तुम्हारा कोई मामला हो तो डिलीट करना, बाकी कहीं मत हाथ लगाना, है ना। ये रहा गैलरी और ये रहा वीडियो, इसके अलावा कोई वीडियो हो तो डिलीट करना, इसके अलावा किसी वीडियो डिलीट मत करना। जब खबर 100 के संवाददाता आशुतोष सेन ने इस मामले की पड़ताल की तो पूरा मामला उल्टा ही नजर आया। यह जमीन जिस पर बद्री गंगा का अधिकार सिद्ध है, उसी जमीन पर खेती की जा रही थी, लेकिन अचानक चौकी प्रभारी ने खेती पर पहुंचकर किसान को धमकी दी और किसानी करने से रोकने की कोशिश की। आइए जानते हैं यह पूरा मामला क्या है। आपको बता दूं कि देश में किसानों के हित के लिए सरकार बड़े बड़े वादे तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है यह आप लोग जान रहे हैं। हाल ही में देश में 3 कृषि कानून को लेकर किसान सड़कों पर उतरा हुआ है और कोई मजबूर किसान अपने खेतों पर खेती कर रहा है। एक बुजुर्ग महिला के साथ चौकी प्रभारी और वहाँ के दो आरक्षकों द्वारा गेहूँ बोते ट्रैक्टर को रोका गया। मामला डेहरी का है, जहां पर एक किसान अपनी जमीन को लेकर कई वर्षों से किसान को पुलिस द्वारा धमकाने का कार्य किया जा रहा है। ये पूरा वाक्या सोशल मीडिया पर 3 दिनों से वायरल हो रहा है। ये डेहरी के हमारे रवि भाई मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानेंगे आखिर क्या था मामला, आखिर क्यों डेहरी के चौकी प्रभारी बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी रिपोर्ट के, बिना किसी आवेदन के उनके खेत में आज यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने उनके गेहूं बोते ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया था। रवि जी, क्या है पूरा मामला, बताइए हमारे खबर 100 को। जी सर, मेरा नाम रवि प्रसाद राठौर है सर। मैं, मेरी माँ है ये मिश्री भाई, मेरे फादर हैं ये बद्री पिता गांगा जी, ये मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी है बुजुर्गों की, और मैं बरसों से यहाँ पर खेती करते आ रहा हूँ। चौकी प्रभारी जी आए यहाँ पर और वो हमारे खेत से नीचे उतरे और भाई यहाँ पे बुआई करवा रही थी ट्रैक्टर से, तो उनको जो ट्रैक्टर ड्राइवर था, उन ट्रैक्टर ड्राइवर को चौकी प्रभारी जी बोल रहे हैं, ए रुक यहाँ बोना बंद कर और चल मेरे साथ, बोल रहे हैं। उसको पकड़ने के लिए 2 जवानों को भेजा है, तो मेरी माँ पीछे खेत में धसे वगैरह बीन रही थी, यहाँ पर जो कूड़ा कचरा रहता है गेहूँ बोते हैं तो वो गेहूँ उगने में तकलीफ होती है, इसलिए वो बीन रही थी, तो वो दौड़ते हुए देखा उन्होंने और वो गए वहाँ पे दौड़ते हुए, और वहाँ पर भाई गई उनको बचाने के लिए ड्राइवर को कि यार ये मेरी खेती है और मैं मेरे खेत में गेहूँ बो रही हूँ और मैं कहाँ बोऊँगी, मेरे खेत में नहीं बोऊँगी तो कहाँ बोऊँगी, ये आप बताइए मुझे। और
ये चीज़ें हैं। आप उस वीडियो में देख भी रहे हो कि मेरी माँ दौड़ के आ रही है पीछे से, आप उस चीज़ को भी देख रहे हो। तो ये थे रवि भाई जो कि उस बूढ़ी माँ के बेटे हैं, जो पीछे हमारी माई दिख रही, जो किसानी आज भी कर रही है। कम से कम लगभग उनको 65 से 70 साल की उम्र हो गई है मिश्री भाई की, बावजूद इसके आज भी वो अपने खेत में गेहूँ में पाल बनाने का कार्य कर रही है। और ये थे इनके बेटे रवि, जिनका कहना है कि ये ज़मीन उनकी है और वास्तव में ये ज़मीन उनकी है। अगर हमने देखा है उनकी पावती के ऊपर तो उनकी ही ज़मीन है वास्तव में। यहाँ पर जो एक अगर देखा जाए तो इनका विवाद 83 से चलता आ रहा है, जो कि एक 14 आरा ज़मीन के बदले है। लेकिन जिस समय यहाँ पर चौकी प्रभारी आए थे उस समय यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं था, न ही किसी द्वितीय पक्ष द्वारा कोई रिपोर्ट की गई थी या आवेदन दिया गया था चौकी के अंदर, डेहरी चौकी के अंदर। तो आखिर क्या ऐसा कारण बना जब चौकी प्रभारी उपाध्याय जी एक किसान को धमकाने पहुँचे, एक बूढ़ी माँ के साथ धक्का मुक्की आरक्षकों द्वारा की गई। अब देखना होगा कि इस खबर को देखने के बाद राजस्व विभाग क्या एक्शन लेता है और हमारे धार के जिला महोदय और SP साहब क्या कार्रवाई करते हैं। हमारे देश में किसान को अन्नदाता कहा जाता है और साथ ही भारत को कृषि भूमि भी कहा जाता है। उसी देश में किसान के साथ इस तरह का व्यवहार काफी चिंताजनक है। आइए आपको यह भी सुनाते हैं कि जब खबर 100 के पीड़ित पक्ष से मामला जानना चाहा तो क्या बात सामने आई। मेरे को तो कोई मालूम ही नहीं है, मैं तो यहाँ काम कर रही थी, वो ही रहा था हमारे धुन से, वो एकदम चला आया सड़क पर से, निकलो बाहर निकलो, ये वाहन किसका है, इसको बाहर निकालो, पीटो पीटो, वो ऐसा चिल्लाने लगा। मैं इस नौकर को भी भगा नहीं, बुड्ढी को भी लगाओ इधर सड़क पर, लाओ इधर घिसाट के लट मारो किसको, दो जवान दौड़ के आए। मैं दौड़ती उधर, वहाँ उन सड़क थी वहाँ से आई, भाई बच्चे को हाथ मत लगाओ, जमीन मेरी है, ये बेचारा दाढ़ किया आया गरीब है, इसको काय को तुम मारपीट करो, चलो मेरे को कहाँ ले जाओ, तुम्हारा क्या गुनाह करया हुआ, कभी नुकसान करे हो, मैंने किसी से कोई बात ही नहीं हुई मेरी, तो तुम काय को मेरे को चिल्ला रहा हो। हाँ चलो चौकी चलो सबको ले जाओ, इनको वाहन को भी ले जाओ, ऐसे चिल्ला है वो, मैंने कहा चल लाओ इन टोकरी लाओ, वो मेरे को ले गए घाटा चढ़ा के, तो मैं वहाँ गिर गई, मेरे टांगे में लगा। माता जी वास्तव में ये जमीन किसकी है, किसके नाम पे है ये जमीन? इस कागज पे देखो बद्री गंगा जी, ऐसे में गंगा जी की जमीन, उसकी औलाद बद्री जी, हमारे नाम पे जमीन है, मतलब आपके पति के नाम पे जमीन है। हाँ। तो देखा आज ये माता जी ने जो बताया, किसान महिला जो कि 70 साल की उम्र की महिला है, उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि किस प्रकार चौकी प्रभारी ने उस ट्रैक्टर से गेहूं बोने वाले को धमकाया, माताजी को जवानों को बोला है कि रगड़ के लाओ, खींच के लाओ, चौकी पे ले चलो। इस प्रकार की जो बातें एक महिला किसान के साथ की गई, जो मतलब आप देख रहे हैं किस प्रकार से महिला, एक 70 वर्ष की बूढ़ी महिला आज भी अपने खेत में बैठकर काम कर रही है, बावजूद इसके जबरन आकर चौकी प्रभारी द्वारा डराना धमकाना और बुआई करने वाले ट्रैक्टर को चौकी पर लाने की बात कहना, कहीं कुछ न कुछ बात को घुमाने की बात की जा रही है। जिस माँ अपने खेत में, जो माँ अपने खेत में बुआई कर रही थी, उस खेत में आकर चौकी प्रभारी द्वारा इस प्रकार की हरकत करना एक चौकी प्रभारी को शोभा नहीं देता, क्योंकि जो मामला राजस्व विभाग का था उस माँ की उस दरमियान न तो चौकी पर किसी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज थी, ना ही किसी प्रकार का आवेदन द्वितीय पक्ष द्वारा दिया गया था। बावजूद इसके अचानक चौकी प्रभारी अपनी दबंगाई दिखाते हुए एक महिला किसान के खेत में जबरन पहुंचे। बता दे किसान के बेटे ने CM हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत भी की है, लेकिन चौकी प्रभारी ने मामले को उलझाता देख मीडिया से भी दूरी बनाना शुरू कर दिया है। वहीं चौकी प्रभारी को जब इन सब चीजों का पता चला तो उनका कहना कि रिटायरमेंट में 2 माह बचे हैं, मैं किसी भी प्रकार से विवाद नहीं चाहता। जब चौकी प्रभारी सब जानते हैं तो फिर निर्दोष किसान के खेत में बुआई रुकवाने क्यों पहुंचे? इधर जब मीडिया के रिपोर्टर चौकी पर बात करने पहुंचे तो उन्होंने जवान से मोबाइल छीनने को कहा और वीडियो डिलीट करने को कहा, जबकि रिपोर्टर के पास किसी भी प्रकार का वीडियो नहीं था। फिर भी चौकी प्रभारी ने मोबाइल मीडिया कर्मी से छीन लिया और कहा कि मैं बाइट क्यों दूं, यह मेरा काम नहीं है। प्रशासन का इस तरह का रवैया काफी चिंताजनक है
और अब यह सवाल होता है कि ईमानदारी से काम करने वालों किसानों की बात सुनी जाती है या नहीं, और अपने बल का दुरुपयोग करने वाले थाना प्रभारी पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। उपचुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज ने मुख्यमंत्री निवास पर भोपाल के उच्च अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में भोपाल कलेक्टर, निगम कमिश्नर, आईजी, डीआईजी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने राजधानी भोपाल में अतिक्रमण माफियों पर चल रही कार्यवाही के बारे में जानकारी ली। साथ ही भोपाल में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और लोगों को जागरूक करने को लेकर चल रहे अभियान की समीक्षा भी की। साथ ही सीएम ने तमाम अधिकारियों को राजधानी में स्वच्छता के मामलों में भी निगरानी रखने के निर्देश जारी किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही की आड़ में गरीबों को परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। सीएम ने कहा कि शहर के आम जनता को सरकार की कार्यवाही से राहत महसूस होना चाहिए। प्रशासन सज्जनों के लिए फूल से कोमल और दुर्जनों के लिए कठोर रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राजधानी में चल रहे मेट्रो के काम को भी निर्धारित समय पूरा करने की बात कही। साथ ही सीएम ने अधिकारियों से 15 दिन में भोपाल के विकास को लेकर प्लान प्रस्तुत करने की हिदायत भी दी। बैठक में सीएम साहब के स्पष्ट निर्देश हैं कि भोपाल के विकास को लेकर हमें सुनिश्चित करना है कि सभी जो हमारे कार्य हैं वो समय सीमा में पूर्ण हों। यदि उनमें कोई भी रुकावट आती है तो उनको इमीडिएटली टेकअप करके रिजॉल्व किया जाए, और फिर भी यदि कोई विषय रहता है तो हायर लेवल पर उसको बताते हुए किसी भी प्रकार से रिजॉल्व किया जाए। साथ ही अतिक्रमण हटाने को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो भी अच्छी हुई हैं और आगे भी इसी प्रकार की जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी रहें। गलत कार्य करने वाले, शासकीय भूमि पर कब्जा करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाए, सभी के खिलाफ कार्रवाई हो ये सुनिश्चित करें, और साथ ही स्वच्छता के प्रति भी भोपाल में और ज़्यादा ध्यान दें और भोपाल को स्वच्छतम शहर बनाने की तरफ कार्य करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी विषयों पे, चाहे मिलावट का विषय हो चाहे अतिक्रमण का विषय हो, इन सभी पे कार्रवाइयों के प्रति उन्होंने कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। सर, होम आइसोलेशन में जो लोग हैं वो अब बाहर निकलते हैं तो क्या उन पर जुर्माने की कार्रवाई की जाए? बिल्कुल, जो नियम है उसके तहत जो भी होम आइसोलेशन में लोग हैं वो यदि बाहर आते हैं तो उन पर कड़ी जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है, और ये कार्रवाई हमारे द्वारा भी की जाएगी। निगरानी को लेकर क्या है कि उनकी निगरानी कैसे रखी जाएगी जो होम आइसोलेशन में अगर निकलते हैं, विभाग की तरफ से कैसे निगरानी? देखिए, इसमें दो विषय हैं। एक तो दिन में किसी भी टाइम उन्हें वीडियो कॉल के माध्यम से कॉल किया जाता है, जिसके माध्यम से चेक हो पाता है कि वे लोग अपने घर में ही हैं या नहीं। साथ ही साथ उनकी पल्स रीडिंग और उनकी टेम्परेचर वगैरह के बारे में भी जानकारी ली जाती है, और इसके अलावा हम लोगों ने अलग अपने विभाग के लोगों को तैनात किया है जो जगह जगह कभी भी मौके पर पहुंच के चेक करते हैं कि वे लोग वास्तव में घर में ही हैं या अथवा कोई घर से बाहर तो नहीं निकल रहा। ऐसा कोई भी व्यक्ति यदि घर से बाहर निकलता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है। रविवार को बीजेपी मसरूद मंडल के 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ किया गया। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ किया। इस प्रशिक्षण वर्ग में 70 से अधिक कार्यकर्ताओं को 10 अलग-अलग विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम में मौजूद विधायक कृष्णा गोरा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व निर्माण का काम करती है, और ये उसकी एक अक्षुण परंपरा है जिसके माध्यम से एक अनुशासित और पार्टी की विचारधारा से ओतप्रोत कार्यकर्ता और साथ साथ इस देश को विश्व गुरु बनाने वाले कार्यकर्ता हमारी पार्टी तैयार करती है। इसी परिप्रेक्ष्य में लगातार प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। हर स्तर पर प्रशिक्षण होते हैं, मंडल स्तर का, जिला स्तर का, प्रदेश स्तर का और केंद्रीय स्तर का। साथ ही कहा कि 2 दिवसीय मंडल स्तर का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित हो रहा है। 2 दिवसीय इस प्रशिक्षण वर्ग में 10 सत्र होंगे जिसमें विभिन्न विषयों के माध्यम से कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया जाएगा ताकि कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा से ओतप्रोत हो और आने वाले समय में अपनी पार्टी, समाज और राष्ट्र की सेवा सच्ची निष्ठा से कर सकें। लगातार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के माध्यम से उनके व्यक्तित्व निर्माण का काम करती है, और ये भारतीय जनता पार्टी की एक अक्षुण्ण परंपरा है जिसके माध्यम से एक अनुशासित कार्यकर्ता, पार्टी की विचारधारा से ओतप्रोत कार्यकर्ता और उसके साथ साथ इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाने के संकल्प के साथ काम करने वाले कार्यकर्ता हमारी पार्टी तैयार करती है। उसी परिप्रेक्ष्य में लगातार
प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। हर स्तर पर प्रशिक्षण होते हैं, मंडल स्तर का, जिला स्तर का, प्रदेश स्तर का, केंद्रीय स्तर का। मंडल स्तर का प्रशिक्षण वर्ग आज से पूरे प्रदेश में प्रारंभ हो रहा है। 2 दिवसीय इस प्रशिक्षण वर्ग में 10 सत्र होंगे, जिसमें विभिन्न विषयों के माध्यम से कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया जाएगा, ताकि कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा से उत्प्रोत हो और आने वाले समय में अपने पार्टी को, समाज को। इंदौर के महिला थाना में पत्नी ने अपने पति पुलिसकर्मी की शिकायत दर्ज करवाई है। महिला थाना पुलिस को पीड़िता ने बताया कि उसकी साल भर पहले शादी हुई थी, वह सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही है। वह दहेज नहीं दे पाई तो पति ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। एक बार चोरी छिपे मौसेरी बहन से बाथरूम में बात की तो पति ने 3-4 घंटे तक बाथरूम में बंद कर दिया था। अपने पति की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने पुलिस में शिकायत करने का रुख अपनाया और पुलिस को पूरी पीड़ा सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महिला थाने पे थोड़ा जोर से फरियादी आई थी, जिसने बताया कि उसके पति के द्वारा उसको शादी के 3 माह बाद परेशान करना, छोटी छोटी बातों के लेकर लड़ाई झगड़ा करना, ऐसा उसने बताया था, और शंका करना इस पर से। और ये भी बताया गया कि उसके द्वारा कि कई अपने घर पर बात करने पर उसको बंद किया बाथरूम में, अगर 2-3 घंटे बाद में निकाल कर उसको जमीन पर बिठा के रखना, इस तरह की मानसिक शांति प्रताड़ना दी गई थी, जिस पर से 498A 323 का मुकदमा दर्ज किया गया। मतलब पति को पुलिस कर्मी बतलाते हैं? हाँ, पति उसका पुलिस में है। कहाँ पे पदस्थ है, कुछ जानकारी? हाँ, वो स्पेशल ब्रांच में पदस्थ है, हर्षा के पति। कितने लोगों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है? हाँ, फरियादिया के बताने से उसके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एक ही व्यक्ति? कुछ दहेज वहेज की मांग की जा रही थी, कुछ पैसे वैसे कुछ इस तरह से? पैसे का तो नहीं है, एक उसके द्वारा ये बताया गया था कि उसके पति द्वारा एक मायके में कोई गाड़ी या जो उसकी मांग की गई थी उसको। भाजपा का मंडल स्तर पर प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। प्रदेश के 1059 मंडलों और भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी के चलते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, इतिहास, सोशल मीडिया पर पकड़ की दी जाएगी और प्रशिक्षण में पार्टी ने अभी तक क्या किया, देश के प्रति पार्टी की क्या जिम्मेदारी है, इन सभी बातों के बारे में बताया जाएगा। इसी के साथ वीडी शर्मा ने कई बातें की, आइए आपको भी सुनाते हैं कि वीडी शर्मा ने अपने बयान में क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर अपने कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण के लिए हर वर्ष प्रशिक्षण शिविर आयोजित करती है। आज से भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडलों के वर्ग प्रारंभ हो रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 1059 मंडल हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन सभी मंडलों के 10 विषयों पर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण होंगे। मंडल के अंदर जो अपेक्षित कार्यकर्ता हैं वो उसके अंदर रहेंगे। उसमें खास तौर पर ऐसे विषय जो कार्यकर्ताओं के विकास के लिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, विकास क्या हुआ है, कार्य पद्धति हमारी क्या है, उस कार्य पद्धति को समझने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन के आधार पर जो काम देश के लिए किया है। इसलिए हम कहते हैं कि हम राजनीति में क्यों हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करना यानी देश के लिए हमारी भूमिका क्या है, समाज के लिए हमारी भूमिका क्या है, ऐसे कई मुद्दों पर इन विषयों में चर्चा होगी। केंद्र की सरकार से लेकर के मध्य प्रदेश की सरकार ने जो गरीबों के जन कल्याण की योजनाओं को भी चर्चा करने का काम इस अभ्यास वर्ग के अंदर विभिन्न प्रकार के 10 हमारे जो विषय हैं उनके आधार पर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व का विकास। कि मैं एक कार्यकर्ता हूं तो एक अच्छा कार्यकर्ता बनने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, ऐसे अलग अलग प्रकार से ये प्रशिक्षण के वर्ग हैं और इसकी व्यापक तैयारी व्यवस्था की दृष्टि से, कार्यक्रमों की दृष्टि से हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक मंडल स्तर पर की और बूथ स्तर के कार्यकर्ता इन मंडलों के अंदर भी अपनी सहभागिता करेंगे। और लगभग मैं ऐसा मानता हूं कि मिनिमम 100 के करीब कार्यकर्ता, चयनित कार्यकर्ता हर प्रशिक्षण वर्ग के अंदर। घटिया तहसील में आने वाले ग्राम रुई में सीलिंग की 115 बीघा जमीन पर कब्जा हटाने रविवार सुबह SDM गोविंद दुबे,
सीएसपी अश्विनी कुमार नेगी और 5 थानों का बल राजस्व अमले के साथ मौके पर पहुंचे। अतिक्रमण पर बोई गई गेहूं की फसल को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। इस दौरान गांव में भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। जमीन पर गांव के ही पटेल का लगभग 50 वर्ष से कब्जा था, जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। प्रशासन के पक्ष में फैसला आने के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटा दिया है। ये जो पीड़ित पक्ष है, इनके पिता ने ये प्रॉपर्टी 18/11/1971 को रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से कावेरी बाई नाम की महिला से खरीदी थी और कावेरी बाई को ये जो संपत्ति है ये अपनी माता अमृता बाई से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। 1976 में शासन ने सीलिंग की कार्रवाई की। उस सीलिंग की कार्रवाई में शासन की तरफ से महत्वपूर्ण त्रुटि ये हुई है कि सर्वे नंबर का ही विवरण नहीं है। आज जिस सर्वे नंबर पर प्रशासन मनमानी कर रहा है, इनके साथ प्रशासन अति कर रहा है, प्रशासन के पास सर्वे नंबर का ही विवरण नहीं है कि किस सर्वे नंबर की ज़मीन उन्होंने सीलिंग में ली है। ये बहुत बड़ी इसमें गंभीर समस्या है। ना तो प्रशासन के पास हाईकोर्ट का आदेश है कब्जा लेने का, प्रशासन के पास सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं है कब्जा लेने के संबंध में, और पीड़ित पक्ष की ओर से व्यवहार न्यायालय में दीवानी न्यायालय में कार्रवाई की है और 14/10/2009 को माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 उज्जैन के न्यायालय ने इन सभी पक्षों को भूमि स्वामी घोषित किया है। उस भूमि स्वामी घोषित करने के बाद इनकी तरफ से नायब तहसीलदार टप्पा पान बिहार में नामांतरण की कार्रवाई भी चल रही। सीलिंग आदेश को चुनौती देते हुए इनकी तरफ से एक अपील अपर सत्र न्यायालय उज्जैन में विचाराधीन है। 3/12 पेशी भी नहीं आते। इन्होंने जो अवैध अतिक्रमण की जो गलत कार्रवाई की है, इसको लेके ने माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में विक्रम की ओर से पिटीशन फाइल हो चुकी है। विक्रम आदि की ओर से पिटीशन फाइल हो चुकी है। अन्य पक्षकार की ओर से 2 दिन में और पिटीशन फाइल हो जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी हमने रिव्यू पिटीशन 2 दिन में हमारी फाइल हो चुकी है, हो रही है। ये घटिया तहसील के रुई गांव का मामला है। यहाँ पे सीलिंग की ज़मीन जो शासन के पक्ष में हो चुकी है, करीब 100 बीघा की ज़मीन है। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय से जो है शासन के पक्ष में आदेश हो चुका है, जिस पे कब्जा लेने के लिए पुलिस बल के साथ राजस्व की टीम यहाँ पर पहुँची है और विधिवत कब्जा लेने की कार्रवाई की जा रही है। ये करीब 100 बीघा ज़मीन है जिस पर फसल वो के अतिक्रमण किया गया है, जिसको जो है मुक्त कराते हुए शासन अपने पक्ष में कब्जा ले रहा है। ये मुहिम के तौर पर लगातार ऐसे मामले चिन्हित किए जाएंगे, जहाँ पे भी शासकीय ज़मीन पर अतिक्रमण पाए जाएंगे उनको चिन्हित करके विधिवत उस पर कब्जा लेने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आज ये जो लगभग 100 बीघे का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से 6 थानों के लगभग 50 लोग हैं। 50 लोगों का बल है, जिसमें महिला बल भी है, पुरुष बल भी है। ये ग्राम रुई में है और जहाँ तक मुझे जानकारी है या SDM साहब ने बताया है कि यह अतिक्रमण है, तो प्रशासन के अमले के साथ मदद और सुरक्षा के भाव से हम थाने को लेकर अभी तक कोई आपत्ति नहीं है जो आ सकती थी, लेकिन लीगल कोई आपत्ति नहीं है इसमें। इंदौर शहर में अपराधों का ग्राफ लगातार ही बढ़ता जा रहा है। वहीं एक मामला सामने आया है जहां शराब दुकान में तोड़फोड़ की गई। रात्रि कर्फ्यू के बीच शनिवार रात केसरबाग रोड स्थित शराब दुकान में कुछ बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की और गल्ला लूटकर भाग खड़े हुए। दुकानदार मैनेजर ने अन्नपूर्णा थाने में केस दर्ज कराया। वहीं अन्नपूर्णा पुलिस का कहना है कि अहाते के संचालन को लेकर शराब कारोबारियों में विवाद चल रहा है, उसी को लेकर तोड़फोड़ की गई होगी। फिलहाल आरोपी अज्ञात है। शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर उनकी पहचान और खोजबीन की जा रही है। ये मामला कल क्या हुआ आपको? सर यहाँ 20-25 लोग आए बाहर से, पहले बोलेरो तोड़े, उसके बाद दुकान के अंदर घुस के तोड़ फोड़ किए। क्या कहना था उनका? वो आए बस वैसे गाली दे रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे, बोले हाथा कौन चला रहा है। बस तो कुछ किसी से विवाद है क्या? पूरी आशंका है किसी को? नहीं नहीं सर। क्या शिकायत दर्ज कराई आपने थाने में? अज्ञात लोग शिकायत दर्ज करवाए, अज्ञात लोग आके दुकान तोड़ फोड़ किए। क्या यहाँ पे कुछ CCTV फुटेज वगैरह? नहीं सर, CCTV कैमरा नहीं लगेगा। क्यों सर? अभी दुकान नहीं बनी है, अभी सामान आ गया है, अभी आज कल में लग जाएगा। आपने FIR में कांग्रेस के किसी नेता का नाम भी? नेता किसी नाम? पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के निर्देशन में थाना मुंगवानी पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा किया है, जिसके अंदर पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें 26 अक्टूबर को पुलिस में हत्या की शिकायत दर्ज कराई गई थी कि अभिषेक का शव उसके खेत में पाया गया है, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी की पतारसी और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की और मुखबिर की सूचना के चलते पुलिस ने कार्यवाही कर सफलता प्राप्त की।
बता दें संदेही रंबू गोड़ ने गिरफ्तार होने के बाद रंबू गोड़ ने हत्या की बात को कबूल किया है। केंद्र सरकार के पारित किए गए कृषि बिल के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे किसानों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर कांग्रेसियों ने दिनेशपुर सुभाष चौक पर पहुंचकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूंका। पूर्व विधायक प्रेमनंद महाजन ने कहा कि भाजपा की सरकार ने किसानों के विरुद्ध जो कानून पास किया है उसको हम काला कानून कहते हैं और हमारे साथ पूरा देश आज उस कानून को काला कानून बोल रहा है। इसीलिए मोदी सरकार को किसानों के खिलाफ पारित किए गए कानून को तत्काल वापस ले लेना चाहिए। आज जो सड़कों पर किसान है उसकी सिर्फ एक मांग है, जो सरकार ने MSP तय किया है उसी MSP पे जो आड़ती हैं वो किसान अपना अनाज बेच सके। इसी मांग को लेकर मोदी सरकार से लगातार जो किसान भाई हैं वो देश की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जो तानाशाही सरकार है वो क्यों पता नहीं अड़क है, जबकि इससे पहले जो पूर्ववर्ती सरकार थी जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, लेकिन आज के समय में किसान और जवान दोनों आमने सामने हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देश का अन्नदाता सड़कों पर भूखे पैसे सोने को मजबूर है। सरकार को इस पर फैसला लेना होगा और एक किसान इस फैसले पर एक कदम पीछे नहीं हटने वाली है। उन्होंने कहा इस बार आर पार की लड़ाई होगी। देखिए किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वाभिमानी होता है, वो कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता, और ऐसे में अगर सरकार उसकी मांग नहीं मानती है तो ये बहुत देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज अन्नदाता सड़कों पर है, आज अन्न की वजह से आपने देखा होगा इस कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी होगी तो लोगों को खाने की पड़ी होगी, और उस अन्नदाता के साथ इस तरीके का व्यवहार बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा करता हूँ। भारत सरकार ने जो 3 कृषि कानून पास किए वो उसको हम लोग काला कानून कहते हैं और पूरा देश कह रहा है। अभी पंजाब के किसान लोग आंदोलन करने के लिए दिल्ली जा रहे थे, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उनको जबरदस्ती रोका गया, जबकि दिल्ली में आप पार्टी की गवर्नमेंट है, उन्होंने भी कहा कि कोई आपत्ति नहीं है। तो उस दुर्व्यवहार को देखते हुए, इनके रवैये को देखते हुए हम लोग भारत सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पुतले को फूंक कर हम लोग अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और साथ साथ किसानों का समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए खबर 100।